चलिए बक्सर सीट की बात करते हैं। बक्सर मतलब जहां से बिहार शुरू होता है, गंगा के किनारे का शहर, भगवान राम यहां पर आए थे ऐसी मान्यता है बक्सर को लेकर के। और बक्सर में जो है अश्विनी चौबे, बीजेपी ने जिन लोगों का टिकट काटा उसमें से अश्विनी चौबे जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं उनका नाम था, उनका टिकट काटा गया। भागलपुर से राजनीति करते रहे लेकिन अचानक से लालमुनी चौबे की जगह पर जो है बक्सर से उनको चुनाव लड़वाया गया, चुनाव जीत करके आए तो मोदी ने इनाम के तौर पर उनको केंद्रीय में राज्य मंत्री का ओहदा दिया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से अश्विनी चौबे का टिकट कट गया और वहां पर मिथिलेश तिवारी जो बीजेपी के विधायक हुआ करते थे उनको मौका दिया है। उनके खिलाफ चुनाव लड़ कौन रहे हैं? उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं सुधाकर सिंह, क्योंकि ये इलाका जो है वो सुधाकर सिंह के प्रभाव वाला है। जयदानंद सिंह के बेटे हैं वो, जब तेजस्वी यादव की सरकार बनी बिहार में नीतीश कुमार के साथ तो वो मंत्री बनाए गए कृषि मामलों के, और पहला जो विकेट नीतीश कुमार ने किसी गिराया आरजेडी खेमे का वो सुधाकर सिंह था उनके एक बयान की वजह से, और उनका इस्तीफा हुआ। हालांकि सुधाकर सिंह ने चुप्पी नहीं साधी, वो लगातार बोलते रहे चाहे राकेश टिकैत को लाना हो या कुछ भी, इस तरह की तमाम चीजें होती रही। वहां पर एक आईपीएस अधिकारी भी जो है वो वीआरएस लेकर के चुनाव लड़ रहा है, दूसरी तरफ ददल पहलवान चुनाव लड़ रहे हैं और अनिल कुमार जो कि बसपा के टिकट पर यानी हाथी छाप पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल 5 लोग वहां पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बक्सर का मिजाज क्या कह रहा है वहां पे? हाँ, बक्सर में होता है ना, कहीं दो कोणीय होता है, त्रिकोणीय होता है, बक्सर में चुनाव जो है वो बहुकोणीय हो चुका है। जैसे कि आपने कहा कि 5 दमदार जोरदार उम्मीदवार जो हैं वो रेस में हैं। बीजेपी की ये सीट मानी जाती है कि बीजेपी यहाँ पर स्ट्रांग है, अगर अभी से पूछा जाए तो सिंपल तरीके से हम जवाब देंगे, क्योंकि कई उम्मीदवार हैं बसपा से, जो उम्मीदवार बसपा का 1 लाख वोट है वहां पर, वो कोई भी वहां से लड़े 1 लाख ले आता अच्छे से लड़े तो, ठीक है, तो बसपा का 1 लाख वोट है। ददन पहलवान निर्दलीय लड़ रहे हैं और उनको सपोर्ट है AIMIM का, यानी कि मुस्लिम कुछ भी कटेगा तो आरजेडी का ही कटेगा। सुधाकर सिंह जो कि उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रामगढ़, वहीं से विधायक है, राजपूत समाज से आते हैं सुधाकर सिंह, वो चुनावी रण में है और मुख्य तौर पर कह सकते हैं कि मुख्य चुनावी रेस में है। और मिथिलेश तिवारी जो है वो उम्मीदवार है बीजेपी के। कौन जीत रहा है, कौन हारा, लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, सब कुछ हम बताएंगे क्लियर आज की तारीख के हिसाब से कौन जो है वो रेस में आगे जा रहा है। लेकिन ये इत्तेफाक कहिए कि ये सीट मानी जाती है कि बक्सर, इससे पहले अश्विनी चौबे, उससे पहले लालमुनी चौबे यहाँ पर सांसद रहे हैं, लंबे अरसे से बीजेपी का स्ट्रॉन्ग जोन या कहें कि स्ट्रॉन्ग सीट ये रही है। बक्सर में चुनावी समीकरण थोड़ा देख लेते हैं। बक्सर में लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं और देखिए, पहला ब्रह्मपुर शंभुनाथ आरजेडी के विधायक है, बक्सर से संजय तिवारी कांग्रेस के विधायक है, डुमराव से अजीत कुशवाहा CPIML के विधायक है, राजपुर से विश्वनाथ राम कांग्रेस के विधायक है, रामगढ़ से सुधाकर सिंह आरजेडी के विधायक है और दिनारा से विजय कुमार मंडल आरजेडी के विधायक है। हम कहते हैं कि बीजेपी की स्ट्रांग सीट है, लेकिन 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो NDA का एक भी प्रत्याशी वहां नहीं जीता, यहां से जीत कर नहीं आया। तो पूरा पहला चरण ही ऐसा था कि बिल्कुल वाइप आउट हो गई NDA बिहार के अंदर में, मतलब जब तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात करके चुनाव लड़ा। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर ये NDA का एक भी विधायक नहीं, पॉइंट ऑफ न्यूट्रल। अब देखते हैं जातीय समीकरण, यहाँ का जातीय समीकरण बताता है, इसे ब्राह्मण बहुल सीट भी कहते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण 4 लाख से ज्यादा हैं, यादव करीब 3.5 लाख के करीब है, राजपूत जो है वो 3 लाख के करीब है, भूमियार 2.5 लाख के करीब है, मुसलमान जो है वो 1.5 लाख के करीब है, कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य, दलित और अन्य जाति भी बड़ी तादाद में यहाँ पर है। मुख्य रूप से ब्राह्मण जो है वो 4 लाख से, तो ब्राह्मण वैसे भी कहा जाता है स्वर्ण वोटर जो है वो बीजेपी के हिस्से वाले वोट बैंक होते हैं। अब यहाँ पर देखिए तेजस्वी यादव की ताकत है क्या, तेजस्वी यादव की ताकत MY है, यादव और मुस्लिम को मिला लिए तो 3.5 और 1.5 ये वोट बैंक उनके साथ रहेगा। राजपूत क्या करेगा, क्या राजपूत टूटने जा रहा है, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या राजपूत का वोट 3 लाख जो है वो गिर जाएगा, ये कहना मुश्किल है। यहीं पर अग्नि परीक्षा है, कौन कितना राजपूत को तोड़ता है। भूमियार तो चलिए मानिए इस सीट पर तो बीजेपी के साथ है, और ऐसे भी मोटे तौर पर भी कहा जाता है कि भूमियार जो है वो बीजेपी के साथ रहते हैं। बात जहानाबाद की मत छेड़िए, तो भूमियार 2.5 लाख के करीब है, यहाँ पर ये इनके साथ है। राजपूत क्या करेगा, राजपूत के वोट बैंक, क्या सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो पूरा राजपूत इंटैक्ट हो जाएगा, आरजेडी को वोट दे देगा सुधाकर सिंह के नाम पर, ये एक बड़ा सवाल है
और इसी सवाल के जवाब में छुपा हुआ है ये राज, कौन बक्सर का चुनावी रन जो है वो जीतने वाला है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, आज की तारीख से देख रहा हूँ, कोई कुछ भी कहे, समीकरण अपने लिहाज से होते हैं, विधानसभा वाले समीकरण अपने लिहाज से होते हैं, प्रचार भी अच्छी खास, जो निर्दलीय उम्मीदवार जो एक और है जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, पूर्व IPS रहे हैं, उनका भी प्रचार, राजीव मिश्रा, उनका भी प्रचार जो है वो अच्छा खासा जो है वो चल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मिथिलेश तिवारी जो कि BJP के उम्मीदवार हैं, उनको एज है, यानी कि वो थोड़े से मुझे सभी उम्मीदवारों से, या कहें कि RJD के उम्मीदवारों से स्ट्रॉन्ग जोन में, थोड़े से स्ट्रॉन्ग जोन में अभी दिख रहे हैं। आखिरी मोमेंट प्रचार के आखिरी दौर में या क्या कुछ हो जाए तो फिर हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज की तारीख अभी के हिसाब से मिथिलेश तिवारी को इस सीट पर एज दिख रहा है रोहित।